मेरी बात समझने की कोशिश करो, किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। I swear मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज बिलीव मी प्लीज। सौम्या, मैं किसी के बहकावे में आने वालों में से नहीं हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं, सब दिख रहा है मुझे। बार बार कुछ ना कुछ कर रही हो तुम, कभी मेरे घर पहुंच जाती हो, कभी दुल्हन बनकर मंडप पे बैठ जाती हो, कभी चालाकी से मुझसे डिवोर्स पेपर साइन करवा लेती हो, फिर भी मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे लगा शायद प्यार में तुम ये सब कर रही हो। पर ये कैसा प्यार है यार तुम्हारा कि मुझे तुमने जेल भिजवा दिया? इतनी इंसल्ट हुई है मेरी, पूरे मोहल्ले के सामने मेरा तमाशा बना। क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। शट अप सौम्या एंड आंसर मी, क्या गलती थी मेरी जो डोमेस्टिक वायलेंस जैसा घटिया इल्जाम तुमने मुझ पर लगा दिया? सौम्या तुम जानती हो ना मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ है। सोच भी नहीं सकता था सौम्या कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ। शट अप सौम्या, जस्ट शट अप। मेरे पास सारे सबूत है, सारा प्रूफ है। तुम लक्ष्मी से बुर्का पहनकर मिलने गई थी, और ये जो तुम्हारे पैर में निशान है ना, उसकी फोटो में साफ साफ नजर आ रहा है। What? तुम लक्ष्मी से बुर्का पहनकर मिलने गई, झूठ बोलकर तुमने उसका फोन लिया, सब पता है मुझे सौम्या। हमारे प्यार पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। पता है कि मैं तुमसे नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उसकी वजह जानती हो ना तुम। कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग तो तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मैं। सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहा था मैं, कि तुमने क्या किया, मजाक बनाकर रख दिया सब कुछ। यार ये कैसा प्यार है तुम्हारा? आदित सुनो, मेरी बात समझने की को। अम्मा बिल्कुल सही कहती थी, इस रिश्ते में पढ़ना ही नहीं चाहिए था मुझे। झूठा है ये रिश्ता, रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए मुझे। आदित तुम मुझसे रिश्ता तोड़ोगे? तुम्हें भी यही लगता है ना कि ये केस मैंने किया है? सीरियसली, क्या क्या नहीं सुना दिया तुमने मुझे? सच तो यही है ना कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? बोलो, नहीं है ना भरोसा? सौम्या आगे मत आना आदित, बहुत हो गया अब। अब तो मेरे आदित रहे ही नहीं, सब कुछ बदल गया है हमारे बीच। तुम्हें तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना? ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा आदित, क्या तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते? मैं जीना नहीं चाहती। सौम्या क्या कर रही हो तुम? मुझे सौम्या छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो। क्यों हर बार बचा देते हो मुझे आदित? क्यों हर बार रोक देते हो मुझे? क्यों मरने नहीं देते मुझे? Let it be over now, आदित, मेरा किस्सा ही खत्म हो जाए। Thank God, टाइम पे रोक लिया इसने। सौम्या पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, हो गई हूँ मैं पागल। एक ऐसे रिश्ते से आस लगाकर बैठी हूँ जिससे कोई उम्मीद ही नहीं है। और क्या करूँ मैं आदित, तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। तुमने सोच कैसे लिया आदित कि मैं तुम पर केस करूंगी, पुलिस कंप्लेन करूंगी, जेल भिजवाऊंगी तुम्हें? तुमने एक बार भी ये सोचा है कि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पता कैसे चला? कैसे चल सकता है मुझे पता? क्या मैं थी वहां बेडरूम में? तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे आदित कि लक्ष्मी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है? सौम्या उस फोटो में तुम्हारे पैर पर जो निशान है साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ है निशान, लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि फोटो में वो निशान आया कहाँ से? Come on, Adit. It's not rocket science. आजकल के जमाने में फोटोशॉप नाम की एक चीज होती है, और तुमने एक फोटो देखी उस पे बिलीव कर दिया। ये सब बकायदा लक्ष्मी की प्लॉटिंग और प्लानिंग है आदित। वो मुझे फंसाना चाहती है और खुद बच के निकलना चाहती है। और देखो ना, जैसे उसने चाहा था वैसे ही हुआ है। हम दोनों यहाँ भिड़ गए और वो वहां बच के निकल गई। बलि का बकरा तो मैं बन गई हूं ना आदित। आदित ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। लक्ष्मी ने झूठे सबूत इकट्ठा किए मुझे फंसाने के लिए, और इन पे अम्मा और मंगल तो यकीन करेंगे ही ना। तुम्हें पता है आए थे दोनों गुस्से से धनधनाते हुए,
मुझसे इतने सवाल कर रहे थे, कह रहे थे कि मैंने तुम पे केस किया। मैं बार बार उनसे कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और तुम आदित्य, तुम तो लक्ष्मी की शक्ल तक नहीं देखना चाहते ना, और तुम्हें इतनी आसानी से उसकी बातों में बिलीव हो गया। आदित्य, मैं तुम पे केस क्यों करूंगी? आदित्य, क्या रीजन होगा मेरे पास? आई लव यू आदित्य, और तुम्हारी इज्जत उछालने से पहले मैं खुद मर जाऊंगी। ऐसा मैं ही बेवकूफ थी ना, तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया मैंने, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ, ये सोच के कि तुम मेरे साथ हो, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? आ जाते छोड़ दिया ना मुझे बेसहारा, तो अब यहाँ खड़े क्यों? चले जाओ ना, मरने दो मुझे, सिर्फ दो प्रॉब्लम आया। सेना प्लीज यार, ऐसे मत कहो। क्या करूं मैं, बुरी तरह फंस चुका हूं। अगर मेरा बस चलता ना, तो अभी क्या, अभी मंगल को छोड़ देता। तो छोड़ दो ना उसे, अगर तुम यही चाहते हो आदित्य, तो छोड़ दो उसे। हम कब तक यूं घुट घुट के जीते रहेंगे? तुम हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हो आदित्य, कभी तो अपने बारे में सोचो। एक ही तो जिंदगी है आदित्य, अगर हमेशा दूसरों के लिए जियोगे तो अपनी जिंदगी अपने लिए कब जियोगे तुम? काश कि ये सब इतना आसान होता जैसा तुम कह रही हो सौम्या। मंगल अकेली नहीं है, उसके साथ मेरे बच्चे हैं, अम्मा है, पापा है। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। पता नहीं उस गवार मंगल ने अम्मा पर क्या जादू चला रखा है, हर वक्त बस उसी के गुणगान गाती रहती है वो। वो जो भी हो आदित्य, तुम ये बात कैसे भूल रहे हो कि तुम उनके अपने बेटे हो, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकते। उनके बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी होती है, और तुमने तो देखा है ना कितने बच्चे होते हैं जो लव मैरिजेस करते हैं, तो उनके माँ बाप नाराज होते हैं लेकिन इवेंचुअली वो मान ही जाते हैं। और अम्मा तो तुम पे जान छिड़कती है आदित्य, मैंने खुद देखा है। हाँ, वो मंगल का साइड लेती है, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह है जो हमेशा रहेगी। आई नो दैट। सौम्या, पिछले दिनों बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से सच में मुझसे बहुत खफा है। मैं जानती हूँ आदित्य, लेकिन तुम ये मत भूलो कि वो तुम्हारी अम्मा है और तुम उनके बेटे हो। जब अम्मा तुम्हें मेरे साथ खुश देखेंगी ना, तो वो मान ही जाएंगी आदित्य, उनकी पूरी दुनिया ही तुमसे है। आई नो कि वो अभी मंगल को तुम्हारे गले में बांधने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम एक बार स्ट्रॉन्गली अपना पॉइंट रखो तो सही उनके सामने, कुछ तो कहो। तुम कभी भी कुछ कहते ही नहीं हो आदित्य, उन्हें तो लगता है कि सौम्या ही तुम्हारे पीछे पड़ी है। एक बार कह के तो देखो, उन्हें मिक्स सिग्नल्स देना बंद करो आदित्य। एक बार उनसे कहो ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे साथ खुश रहोगे, फिर देखना आदित्य, वो कुछ देर तक नाराज रहेंगी बट इवेंचुअली वो मान जाएंगी आदित्य। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आई प्रॉमिस यू आदित्य, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे साथ। आई स्वेयर। आदित्य, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। यू विल हैव टू डू दिस। एक बार कोशिश तो करो, देखना तुम्हारे और मंगल का डिवोर्स हो जाएगा, हम दोनों की शादी हो जाएगी ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कम ऑन आदित्य, एक कदम बढ़ाओ अपनी खुशी के लिए। मैं अपनी दिल की सुनो का सौम्या, बहुत भाग लिया अपनी खुशियों से, मुझे लगा था कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ तुम हो, हमारा प्यार है, अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं सौम्या, डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लो, हम शादी करेंगे सौम्या।